बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर रूस की हेलीकॉप्टर मेकिंग हिस्ट्री को देखें तो अभी तक रूस हेलीकॉप्टर बनाने में दुनिया के तमाम ममालिक से आगे है और हर किस्म के हेलीकॉप्टर बनाने में दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स रूस के पास हैं। रूस हेलीकॉप्टर बनाने में पूरी दुनिया में इतना आगे जा चुका है कि अमरीका, चीन और यूरोपीय ममालिक आने वाले कई सालों तक भी वहाँ नहीं पहुँच सकते जिस मुकाम पर आज रूस खड़ा है। रूस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो हर किस्म के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखता। यहाँ तक कि इसका असली दुश्मन अमेरिका भी इस फील्ड में रूस से बहुत पीछे है। दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर से लेकर सबसे ज़्यादा वजन लेकर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर भी रूस के पास हैं। इसके अलावा रूस छोटे से छोटा और मीडियम साइज़ के हेलीकॉप्टर इतनी ज़्यादा तादाद में बनाता है कि दुनिया का कोई मुल्क भी अभी तक इसको काउंटर नहीं कर पाया। इस हवाले से अब एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि रूस की जानब से एक ऐसे हेलीकॉप्टर पर तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है जो दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर होगा। रूस की जानब से इसे K-90 का नाम दिया गया है। इस बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का पहला जेट पावर हेलीकॉप्टर होगा। आज की वीडियो में इस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हेलीकॉप्टर किन खसूसियात का हामिल होगा और कब तक इसको मंतरेआम पर लाया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, रूस के जेट पावर हेलीकॉप्टर जिसे K-90 या K-100 का नाम दिया गया है, इस पर सन 2000 में काम शुरू किया गया, लेकिन कुछ माहिरीन की जानब से ये भी कहा जाता है कि रूस इस प्रोजेक्ट पर बहुत पहले से काम कर रहा है। लेकिन रूसी अहकाम की जानब से ये कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर सन 2000 में काम शुरू किया गया। दोस्तों, अगर इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 17,500 किलोग्राम यानी 17.5 टन होगा। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर 4 टन यानी 4,000 किलोग्राम वजन लेकर उड़ने की सलाहियत से मालामाल होगा। K-90 में 24 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी और इस हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होगी। साइज के बारे में ये बताया गया है कि इसका डायामीटर तकरीबन 8 मीटर के आसपास होगा। ये हेलीकॉप्टर रूस के पुराने हेलीकॉप्टर MiG-8 को रिप्लेस करेगा। दोस्तों, रूसी मिलिट्री एविएशन की जानब से ये भी दावा किया गया है कि इस हेलीकॉप्टर की मदद से किसी भी हंगामी सूरत हाल और जंग की सूरत में ट्रूप्स को तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। अगर हम MiG-8 की बात करें जिसकी जगह K-90 को ले जाया जा रहा है, जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर/घंटा है, जबकि K-90 के बारे में रूसी मिलिट्री एविएशन की जानब से ये दावा किया गया है कि इसकी स्पीड एक फाइटर जेट के बराबर होगी। दोस्तों, अगर K-90 में लगे इंजन की बात करें तो इसमें 2 किस्म के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक टर्बो शेफिट इंजन जो हेलीकॉप्टर को वर्टिकल टेक ऑफ में मदद फराहम करेगा, जबकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसमें एक गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो हेलीकॉप्टर को एक जेट की तरह उड़ने में मदद फराहम करेगा। इसके अलावा रूसी इंजीनियर्स और साइंसदान इसमें ड्यूअल टर्बोफैन इंजन के इस्तेमाल के बारे में भी सोच रहे हैं ताकि इसके वजन को कम किया जा सके। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को पहली बार 2008 में हेलो रशिया एक एग्जीबिशन में दुनिया के सामने लाया गया था, लेकिन इसके बाद से रूस की जानब से इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई न्यूज़ मंतरे आम पर नहीं आई। लेकिन अब ज़राई की जानब से ये कहा जा रहा है कि रूस बहुत जल्द इस हेलीकॉप्टर को दुनिया के सामने लाने की तैयारियां कर रहा है और ये दुनिया का अब तक का सबसे तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर होगा। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।